ऑस्ट्रेलिया 2.5 गुना बड़ा है इंडिया से, जी, तो वो चाहते हैं कि हमारे देश का हर कोना विकसित हो। अब ज़्यादातर बंदे पहले क्या करते थे, सिडनी मेलबर्न में जाके बस जाते थे, तो उनको इंसेंटिव करने के लिए कि बजाय सिडनी मेलबर्न आएँ वो पर्थ जाएँ एडिलेड जाएँ, तो उन्होंने क्या किया, रीजनल एरिया में जाने के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए। वो पीआर में जुड़ते हैं, वो पीआर में जुड़ते हैं। अगर आप जैसे एडिलेड है, पर्थ है, या गांव में किसी यूनिवर्सिटी से करते हो जो रूरल एरिया में है, तो गवर्नमेंट आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है। वो एक इंसेंटिव है कि स्टूडेंट्स वहां पे जाके रहें, काम करें, और वो सिटी भी जैसे सिडनी मेलबर्न है ऐसे ग्रो करें। ठीक होता है, जैसे पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपकी स्पाउस भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपकी वाइफ अगर मैरिड हो आप, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके भी 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। मिलते हैं, हाँ जी, ठीक है। फिर हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब वो चाहते हैं कि एक परिपक्व जो होता है, जो वर्कर आता है हमारे, उसको पूरा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो आते ही काम करे, ताकि हमें ना पढ़ाना पड़े उसको और हमें काम ना सिखाना पड़े, ठीक है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके अलग पॉइंट होते हैं जी। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने 3 से 5 साल काम किया है तो लगभग 10 पॉइंट वो देते हैं। इसलिए आजकल क्योंकि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स आए नहीं हैं 3 साल से, ठीक है, और वहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होते हैं उनको तो वैसे ही अलाउड होता है जी। वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और लगभग 6 महीने काम कर सकते हैं जी, तो वो भी नहीं आ रहे हैं अब क्योंकि कोविड की वजह से जी। तो स्किल की बहुत शॉर्टेज है अभी, बहुत शॉर्टेज, इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने फुल टाइम वर्क परमिट स्टूडेंट्स को दे रखा है। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो बाहर बोर्ड पर लिखा होता है स्टाफ नीडेड। ओके, तो आई थिंक ये जॉब ढूंढने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बहुत हैं। एक तो मेडिकल फील्ड जो हैं, जैसे नर्सिंग हुआ आपका, डेंटिस्ट हैं, जीपीज हैं, एक तो ये फील्ड हैं मेडिकल। किसी भी आप वेस्टर्न कंट्री को देखेंगे वहाँ पे मेडिकल फील्ड की हमेशा ही रहेगी डिमांड, क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं अपने उनकी बंदों की, पॉपुलेशन की, तो उनको हमेशा चाहिए। दूसरा है ट्रेड्स, ट्रेड्स बोलते हैं वहाँ पे, जैसे अपने आईटीआई पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमाज होते हैं, नाम लूँगा मैं कुछ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ, तो जो इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं, कारीगर वाले जो स्किल वो बोलते हैं, उनकी बहुत डिमांड है वहाँ पे, ठीक है। तो इनमें वीज़ा लग जाता है, जो बच्चे इनमें यहाँ से वो कोर्स कर रखे हो तो उनका? हाँ, मिल जाता है, आप सीधा पीआर भी डाल सकते हो, प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो अगर आपने डिग्री कर रखी है पॉलिटेक्निक की या आईटीआई की और इंग्लिश का टेस्ट आप दीजिए, और अच्छी बात यह है इन ट्रेड्स की कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे स्टूडेंट को 6 साढ़े 6 चाहिए तो इसमें कितना? इसमें लगभग 5-6 पे मिल जाता है आपको। अगर आप यंग हैं, आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पीआर मिल जाता है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगेन बॉर्डर है जी, आप जाके स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाके देखिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे है, ठीक है, तो फिर वो पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये जो आप मेरे साथ हैं मनीष जी, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं पिछले 17 साल से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में रहते हैं, मेरे पास सवालों की पूरी लिस्ट है, मनीष जी से पूछेंगे वहाँ हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं क्या उनके लिए अवसर है, किन फील्ड में कितना कमाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे आप लोगों को वर्क वीज़ा पे जाना हो तो आप कैसे पहुँचे, 17 साल का इनका अनुभव है, और जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मनीष जी से जानना चाहेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें, मैं आपका दोस्त करमपाल, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मनीष जी, नमस्कार। नमस्कार जी, पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए अपने बारे में, आप हरियाणा से किस गाँव से हैं, कौन सा आपका ज़िला है? मेरा पूरा नाम मनीष कौशिक है जी। हमारा गांव लाडोत है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी जी जी। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बैचलर्स की थी, एमडीयू रोहतक से। हाँ जी, एमडीयू रोहतक से जी। और उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए मैंने आईआईटी रुड़की से किया था, मास्टर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स जी। और वो करने के बाद फिर मैंने अपनी सेकेंड मास्टर्स की थी ऑस्ट्रेलिया से आईटी में। आप स्टूडेंट वीजा पे गए थे? हाँ जी, स्टूडेंट वीजा में। कौन से साल में गए थे? 2006 में गया था। 2006 में, बताओ थोड़ा ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा, उसके बाद आप वापस नहीं आए? आप बहुत सुंदर कंट्री है जी, बहुत सेफ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जी, ये एक यंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रहा है जी, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ओके, अगर आप काम करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, साफ हवा, साफ वातावरण को एंजॉय करना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ जीना है, तो बहुत अच्छा कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया में जाए हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया जी। तो आप किस कोर्स में गए थे उसमें? मैंने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किया था। ओके, वो कंप्यूटर का कोर्स था। अभी क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर? अभी मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट हूँ, एज अ बिजनेस एनालिस्ट हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम। ऑस्ट्रेलिया सरकार में जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, तो आजकल अपने आप देख रहे होंगे हरियाणा में तो पूरा बच्चों का रुझान है विदेश जाने का, और उनमें पहले अमेरिका की तरफ था,
अब जो स्टूडेंट है उनका ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्यों है इतना? ऑस्ट्रेलिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप देखो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक मेन डिफरेंस जो है वो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा है। और दूसरा आप अभी सुनते ही होंगे काफ़ी वहाँ पे वायलेंस भी होता है, गन कल्चर वगैरह काफ़ी ओपन है, वहाँ आप मॉल में जाके अपना लाइसेंस दिखा के गन खरीद सकते हैं। ओके, ऑन द अदर साइड जो ऑस्ट्रेलिया है ये बहुत सोशलिस्ट कंट्री है, ये अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, राइट। जैसे फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, अगर आप नहीं भी कमाते, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है आपका तो आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी, अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत है तो हेलीकॉप्टर भी आएगा और आपको पहले हॉस्पिटल ले जाके आपकी जान बचाई जाएगी, पैसे की बात उसके बाद होती है। यानी कि सरकार आपके एक इंडिविजुअल आदमी के लिए भी इतनी गंभीर है। हाँ जी जी जी, ना जस्ट बंदों के लिए, आप जानवरों की भी ट्रीटमेंट वहाँ देखना, बहुत अच्छे से एज अ बच्चे की तरह जानवरों को भी ट्रीट किया जाता है। बताए वहाँ का एक यूआई तो बहुत अच्छा है, और हर आदमी मतलब हर आदमी घर में कुत्ता या बिल्ली जरूर मिलेगा, मतलब इतना ज़्यादा लोग। एयर क्वालिटी तो इतनी अच्छी है कि आप जाओगे तो आपको फील होगा आप और ही किसी उसमें आ गए प्लेनेट। अच्छा। बिल्कुल इतनी इतना साफ सुथरा है, सब अपना ध्यान रखते हैं, बाहर गंदगी नहीं फैलाते, गाड़ियाँ ओवरलोडेड नहीं होती, टाइम पे सर्विस होती है, फ्यूल अच्छा है, पूरा क्लीन है एनवायरनमेंट, बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट। अब थोड़ा वर्क वीजा के बारे में हम बात करें, उससे पहले थोड़ा ये बताएं जो बच्चे स्टूडेंट वीजा पे वहाँ जाना चाहते हैं तो क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरह से उसकी शुरुआत करें? ओके, सबसे पहला तो है कि आप एक लिस्ट है जिसको स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो हर साल वो अपना असेस करते हैं कि हमारे देश में हमें किस किस ऑक्यूपेशन की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर बंदे माइग्रेट भी होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अब जब मान लो 100,000 बंदे आए तो उनकी केयर करने के लिए नर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, घर बनेंगे तो प्लम्बर भी आएगा, पेंटर भी चाहिए, तो वो पूरा असेस करके हर साल एक नई लिस्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। कहाँ मिलती है वो लिस्ट? ये इमिग्रेशन की वेबसाइट है, आप border.gov.au पे जाइए और स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट से आप सर्च कीजिए, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। ये वेबसाइट का नाम दोबारा बताना सर। border.gov.au। अच्छा, इस लिस्ट पे वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट मिलेगी। हाँ जी, जिसमें कि ये पता चलेगा भी ऑस्ट्रेलिया में इन इन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है इस फील्ड के लोगों की। हाँ जी, और बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इवन हिंदी में भी अवेलेबल है। ओके, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी मिलेंगे आपको जी। और जिस वीज़ा का चाहिए आप वहाँ पे जाइए, वीज़ा को सर्च कीजिए, वो आपको बताएंगे ये इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं जी। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी उस पर वेबसाइट पर है। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप एजेंट वगैरह के चक्कर में ना पढ़ें, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, तो आप उसको पढ़िए जी और सीधा डिपार्टमेंट से अप्लाई कीजिए। ओके, हाँ। तो यानी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं पहले उस लिस्ट को चेक करें। हाँ जी, और जिस चीज़ की डिमांड है उसी से रिलेटेड कोर्स का वो सिलेक्शन करें। उससे क्या होगा, आपका जब 2 साल के बाद आप अपना फिनिश करेंगे कोर्स तो आपका परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, यानी कि उस चीज़ की डिमांड रहेगी, पीआर के चांस ज़्यादा रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो कोर्सेज होते हैं जो स्किल लिस्ट में जो हायर पे होते हैं उसी से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी में? हाँ लगभग, हाँ जी सारे मिल जाएंगे आपको। ओके, आजकल जैसे जब मैं गया था तो आईटी और अकाउंटिंग काफ़ी हॉट फील्ड थी उस टाइम, इजी होता था। आजकल तो सीए के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा सही होते हैं। हाँ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अगेन उनके पॉइंट ज़्यादा हैं, पर आई थिंक अगर आप यंग हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपको कुछ साल का, तो आई थिंक मिल जानी चाहिए आपको। ओके, तो नॉर्मली जैसे कितने पॉइंट सही होते हैं पीआर में जो नर्सिस का है या आईटी वाले बच्चे हैं इनके लिए? हर एक प्रोफेशन के लिए पॉइंट अलग है, अलग अलग है। हाँ जी जी, तो यूजली बोलते हैं कि 60 पे मिल जाते हैं, पर अब क्या है अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके पॉइंट कम हो गए, पर कोई यंग बच्चा आके सेम कोर्स करता है तो उसके पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जैसे आपने एज वाला बताया है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं उसमें? तो जो पूरा पॉइंट अगर पीआर का देखें, जस्ट एन एग्जांपल के लिए मानते हैं कि 60 पॉइंट चाहिए जी, उसमें पॉइंट होंगे आपकी एज के, अगर आप ज़्यादा छोटे हैं 18 से 20 तो पॉइंट कम होते हैं, अगर आप 20 से एग्जांपल है 28 के हैं तो मतलब आपके पॉइंट ज़्यादा देते हैं जी। उसके पीछे जो आइडिया है गवर्नमेंट का ये है कि हम यंग ब्लड लेके आएँ, युवा बच्चों को लेके आएँ देश में जी। जो ज़्यादा टाइम तक काम करें, ज़्यादा टाइम तक देश की सेवा करें, टैक्स भरें और उसके बाद फिर अपनी एज रिटायरमेंट ले लें जी। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप
सरकार के लिए कम साल काम करेंगे और जल्दी बूढ़े होके और आप उनके हेल्थ सिस्टम पे बोझ बनेंगे। तो जो इंटेंट है वो एज का कि एक पर्टिकुलर एज पे हम सबसे ज़्यादा पॉइंट दें वो ये है कि युवा जो वर्क फोर्स है स्किल्ड वर्क फोर्स है वो कंट्री में आए जी। तो वो एज उसी समय की गिनी जाती है जब वो अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, क्योंकि बच्चे जो जाते हैं वो तो 17-18 साल के जाते हैं प्लस टू करने के बाद। तो अगर वो ज़्यादा यंग जाते हैं तो भी उनको पॉइंट कम मिलते हैं, अगर बिल्कुल एक सेट है, अगर ज़्यादा लेट जाते हैं तो भी लाइक 40 के बाद आई थिंक पॉइंट ही नहीं मिलते आपको। ओके, 40 लेकिन जब तो वो पढ़ाई पूरी करते हैं 3 साल की, यानी कि वो 21-22 साल के तो हो ही जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम हो जाते हैं उनके। और फिर दूसरा है इंग्लिश आप कितनी अच्छी बोलते हैं। अब आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ इंग्लिश उनकी मातृभाषा है, अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो आप काम कैसे करोगे जी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितनी अच्छी है आपकी इंग्लिश उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको। अच्छा, एक तो जैसे बच्चे शुरुआत में पीटी या फिर आईलेट का पेपर देके जाते हैं, तो क्या बाद में भी इस तरह कोई टेस्ट होता है? हाँ, दो देते हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो तो आप एकेडमिक का आईएलट्स दोगे जी, तो 2 साल पढ़ने के बाद फिर पीआर के लिए दोबारा आईएलट्स देना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि आईएलट्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। तो जब तक आप कोर्स फिनिश करते हो, 2 साल का कोर्स है, उससे पहले ही दोगे आप आईएलट्स, तो आपका जब तक फिनिश हो जाता है आईएलट्स की वैलिडिटी तो आपको फिर देना पड़ता है जी। और उस टाइम जर्नल दे सकते हो आप। जर्नल बोलते हैं कि थोड़ा इजी होता है एकेडमिक की बजाय। तो यानी कि जैसे अब 5.5-6-7 पॉइंट मांगते हैं, तो उसमें कितने पॉइंट होने चाहिए तब? उस टाइम जो पीआर के पॉइंट हैं वो नॉर्मली ज़्यादा होते हैं। तो अगेन, अगर आपके आप यंग हो पर इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते, तो क्योंकि यूथ हो तो वहाँ से आपको थोड़े पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। इंग्लिश ठीक नहीं है तो थोड़े कम हो गए, तो बराबर हो जाते हैं जी, जी, जी। ठीक है, और आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है पर आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हो तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं आपको, तो फिर मे भी आप और ऊपर चले जाओगे। ऊपर चले जाओगे, ठीक है। एज हो गया आपकी, इंग्लिश होगी, और क्या पॉइंट मायने रखता है? तीसरा है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, ठीक है। अगर आप डिग्री करते हो ऑस्ट्रेलिया में तो उसके पॉइंट हैं, अगर आप मास्टर्स करते हो, सॉरी पीएचडी करते हो, उसके ज़्यादा पॉइंट हैं। बैचलर डिग्री से मास्टर डिग्री के और पीएचडी के ज़्यादा अंक हैं। हाँ जी, तो ग्रेजुएशन के जो 3 साल की है और मास्टर्स के सेम पॉइंट मानते हैं वो। ओके, ठीक है। पर अगर आप पीएचडी करते हो तो आई थिंक 5 पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं आपको जी, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है ये। चौथा है, अब ऑस्ट्रेलिया 2.5 गुना बड़ा है इंडिया से जी, तो वो चाहते हैं कि हमारे देश का हर कोना विकसित हो। अब ज़्यादातर बंदे पहले क्या करते थे, सिडनी मेलबर्न में जाके बस जाते थे, तो उनको इंसेंटिव करने के लिए कि बजाय सिडनी मेलबर्न आएँ वो पर्थ जाएँ, एडिलेड जाएँ, तो उन्होंने क्या किया, रीजनल एरिया में जाने के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए। वो पीआर में जुड़ते हैं, वो पीआर में जुड़ते हैं। अगर आप जैसे एडिलेड है, पर्थ है, या गांव में किसी यूनिवर्सिटी से करते हो जो रूरल एरिया में है, तो गवर्नमेंट आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है। वो एक इंसेंटिव है कि स्टूडेंट्स वहां पे जाके रहें, काम करें, और वो सिटी भी जैसे सिडनी मेलबर्न है ऐसे ग्रो करें, ठीक है। तो मैं दोनों बात बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, इंटेंट क्या है उनका, और आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो। बिल्कुल। और इसके अलावा और ट्रांसलेटर या एक्सपीरियंस? हाँ, एक नाटी का होता है ट्रांसलेटर जी, जैसे जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 200 कंट्री के बंदे रहते हैं, तो उनकी अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो सभी इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट को ट्रांसलेटर चाहिए, तो उस ट्रांसलेटर के लिए कोर्स करना पड़ता है आपको जी। तो अगर वो कोर्स आपको आता है तो 5 पॉइंट उसके एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ओके, कितने दिन का कोर्स होता है वो? लगभग आई थिंक 10 दिन का होता है। यानी कि बच्चों को कर लेना चाहिए, आप एडवाइस करोगे? हाँ, अगर कर सकते हैं तो कर लें, पर वो देख लें कि अगर पॉइंट कम पड़ रहे हैं या बॉर्डर पे हैं, पॉइंट मान लो 60 चाहिए उनको, 60 ही बन रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप वो कोर्स करके अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाएं, ताकि आपका चांस अच्छा हो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये तो? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है जी, ठीक है। तो दूसरा होता है, जैसे पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपकी स्पाउस भी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी वाइफ अगर मैरिड हो आप, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो उनके भी 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। हाँ जी, ठीक है। फिर हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब वो चाहते हैं कि एक परिपक्व जो होता है, जो वर्कर आता है हमारे, उसको पूरा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो जो आते ही काम करे, ताकि हमें ना पढ़ाना पड़े उसको और हमें काम ना सिखाना पड़े, ठीक है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके अलग पॉइंट होते हैं जी। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपने 3-5 साल काम किया है तो लगभग 10 पॉइंट वो देते हैं जी। अच्छा, एक और बताओ, जैसे ये तो आपने पूरा सिस्टम बता दिया, सबसे बड़ी समस्या आजकल बच्चों को आ रही है, वीज़ा ही नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, और गैप ईयर भी ऑस्ट्रेलिया कम मांगता है, वो 1 साल से 1.5 साल के बीच का गैप ही मांगता है, 2 साल का गैप हो उसको भी नहीं दे रहा, तो वीज़ा हमें मिल जाए उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ, क्या क्या मतलब उसमें कोई बच्चा गलत जानकारी ना दे, और क्या सावधानियाँ होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि आप वीज़ा पे सच बोलें जी। अगर आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है तो आप उसमें
उसमें डिटेल डालें, चाहे दूसरे देश का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, किसी भी देश का हुआ हो, वो पूछते हैं जो आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, दूसरा क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी देश का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो उसमें ज़्यादातर बंदे जिनका रिजेक्शन लगा होता है वो छुपाने के लिए उसमें नो बोल देते हैं जी। पर जब आप अप्लाई करते हो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सही, आपने कनाडा अमेरिका का सारे कनेक्टेड हैं, उनको पता चल जाता है, उनको आराम से पता लग जाएगा, और जैसे ही आपने एक भी झूठ बोली तो वो रिजेक्शन लगाएंगे आपकी सीधी, सिर्फ उसी कारण रिजेक्शन लग जाता है, उसी कारण से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी स्टूडेंट इसको ध्यान में रखें, किसी दूसरे देश का वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ है तो झूठ ना बोले उसमें, सावधानी बरतें, बिल्कुल, उसमें वो रीज़न होगा कि मान लो एग्जाम्पल है आपने कनाडा के लिए डाला 35 लाख चाहिए थे, आप 30 ही लाख दिखा पाए जी, तो उसमें रिजेक्शन नहीं कि सफिशिएंट फंड्स नहीं है, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, तो उसको कवर करने के लिए अब आप क्या कीजिए, फंड्स दिखाइए और दोबारा से अप्लाई कीजिए, और उसमें अब फंड दिखाइए और रीज़न भी बता दीजिए कि लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था और इस वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ था, पैसे की कमी की वजह से, अब मैं वो कमी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अब आपने एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट दी है कि अब मेरा हो गया तो अब मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए जी जी जी। अच्छा, जब ये वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें रीज़न भी बताते हैं भी किस कारण हुआ? हाँ जी बिल्कुल, रीज़न बताते हैं, विदाउट रीज़न वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता जी। अगर वो करते हैं तो आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो ये तो हमारा हो गया, जैसे अब वीज़ा कैसे मिले, कैसे वहाँ बच्चे जाएँ, कौन से कोर्स का चयन करें, वो आपने बता दिया है। अब वहाँ 17 साल से रह रहे हैं, पूरा आपको हालात की जानकारी है, किस किस फील्ड में ज़्यादा नौकरियाँ हैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए वहाँ के बारे में। दो फील्ड में बहुत हैं, एक तो मेडिकल फील्ड जो हैं, जैसे नर्सिंग हुआ आपका, डेंटिस्ट हैं, जीपीज हैं, एक तो ये फील्ड हैं मेडिकल, किसी भी आप वेस्टर्न कंट्री को देखेंगे वहाँ पे मेडिकल फील्ड की हमेशा ही रहेगी डिमांड, ओके, क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं अपने उनकी बंदों की, पॉपुलेशन की, तो उनको हमेशा चाहिए। दूसरा है ट्रेड्स, ट्रेड्स बोलते हैं वहाँ पे, जैसे अपने आईटीआई पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमाज होते हैं, नाम लूँगा मैं कुछ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ, तो जो इस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं, कारीगर वाले जो स्किल वो बोलते हैं, उनकी बहुत डिमांड है वहाँ पे, ठीक है। तो इनमें वीज़ा लग जाता है जो बच्चे इनमें यहाँ से वो कोर्स कर रखे हो तो उनका? हाँ मिल जाता है, आप सीधा पीआर भी डाल सकते हो, प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो अगर आपने डिग्री कर रखी है पॉलिटेक्निक की या आईटीआई की और इंग्लिश का टेस्ट आप दीजिए, और अच्छी बात यह है इन ट्रेड्स की कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे स्टूडेंट को 6-6.5 चाहिए तो इसमें कितना? इसमें लगभग 5-6 पे मिल जाता है आपको, अगर आप यंग हैं, आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पीआर मिल जाता है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगेन बॉर्डर border.gov.au पे है जी, आप जाके स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाके देखिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन वहाँ पे है, ठीक है, तो फिर वो पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये जो आपने बताए थे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, इनकी कितना इनकम हो जाती है, कितनी कमाई कर लेते हैं ये? जैसे अब मेरे घर में अगर प्लम्बर आता है तो $200 आने के लेता है, सिर्फ आने के, सिर्फ आके चीज़ें चेक करने के लेगा वो, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर जब फिक्स करना होगा वो अलग बताएगा। अच्छा, तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मेरा ताले की चाबी गुम हो गई थी, तो ताला लगाने वाला जो आया उसने मेरे से $120 तो आने के लिए, और फिर आधा घंटा उसने काम किया तो $80 उसके लिए जी। तो मतलब $200 लगभग घंटे में वो मेरे से लेके गया था। ओके, इंडियन रुपीज में कितने हो गए? $200 के लगा लो 10,000 हो गए, एक घंटे के 2 घंटे के 10,000 रुपये हैं। स्किल्ड जो ये ट्रेड है इनकी बहुत वैल्यू है, कार मैकेनिक हुआ, ओके, हाँ, तो बहुत बहुत अच्छे पैसे कमा। अच्छा, जो बच्चे मान लिया जैसे यहाँ पे से स्टडी कोर्स पे जा रहे हैं, तो वो बच्चे जहाँ के ये ट्रेड कोर्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 साल के कोर्स नहीं होते, ओके, ये छोटे कोर्सेज होते हैं, एक साल के, 1.5 साल के, तो ये करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी पीआर की, 2 साल की स्टडी की, वो मीट नहीं होती, एक ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ ये कोर्स कर सकते हैं दूसरा, मान लिया बीटेक कोई बच्चा जा रहा है? नहीं कर सकते आप ये, नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्कलोड होता है वो 40 घंटे का होता है हफ्ते का, उसमें आप 20 घंटे ही आपकी फुल टाइम, तो अगर यूनिवर्सिटी चल रही है तो 40 घंटे तो आपकी स्टडी के हो गए जी, उस यूनिवर्सिटी के, तो दूसरी जगह वो नहीं अलाउ करेंगे आपको करना। अच्छा, और मान लिया ये हम ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्टडी करने जाते हैं लेकिन फिर वो कमाई के लिए यूनिवर्सिटी में कम जाते हैं, काम ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में उनके अटेंडेंस कम होते हैं, उसका क्या असर पड़ता है? उसका आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। होते भी हैं प्रैक्टिकली इस तरह के? हो जाते हैं, अगर आप नहीं जाते
और आप बहुत बंदे क्या करते हैं, जाके यूनिवर्सिटी में एक दिन गए उसके बाद जाके काम पे लग जाते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो आप वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर फुल टाइम यूनिवर्सिटी है तो आप अटेंड करोगे उसको, आई थिंक 80% मिनिमम होती है, अगर 80% से कम है तो गवर्नमेंट देखती है कि आप आए हो पर आप पढ़ने के लिए नहीं आए क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे, तो डेट मीन्स आपका वीज़ा की जरूरत ही नहीं है आपको, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और एक बार अगर आपके वीज़ा की कैंसिलेशन हो गई ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद आपको कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बाकी जितने गोरे कंट्री हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उसमें आपको वीज़ा ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा जी। यानी कि ये बच्चे इसकी विशेष सावधानी बरतें इस बारे में, ठीक है। तो इनको आई ऑफ एट बोलते हैं, 8 कंट्रीज हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इनमें से एक की भी अगर रिजेक्शन लगी तो आप बाकी किसी कंट्री में नॉर्मली नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब थोड़ा ये बताओ, जो बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ अभी हम जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं उन सब का ये है कि एक सेमेस्टर की फ़ीस तो यहाँ से पेरेंट्स भर देंगे, उसके बाद बच्चा वहाँ मतलब कमा लेता है और वो अपनी फीस, रहने पानी पीने का खर्चा निकाल लेता है। कितना खर्चा हो जाता है, क्या एक्चुअल में निकाल लेते हैं बच्चे? वैसे मैं खुद गया था तो थोड़ा टाइम लगता है, एक सेमेस्टर तो लग जाता है ढंग की जॉब। एक तो चूज ही ना बने, चूज ही मतलब आप ज़्यादा ये ना सोचेंगे ये जॉब छोटी है ये बड़ी है, पेट्रोल स्टेशन पे आपको मिलती है काम तो आप ले लीजिए, तो एक ही आप बड़ा डिफरेंस देखेंगे जो भारत में मानसिकता है स्पेशली हम, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो मम्मी पापा पे करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको खुद कमाना पड़ता है और उसमें फिर आपको छोटी भी मिल सकती है नौकरी और बड़ी भी मिल सकती है, तो आप उसमें चूज ही ना बने, आपके पास है नहीं ज़्यादा चूज़ करने को, तो जो जॉब मिलती है आप कीजिए। और वहाँ पे हर जॉब की एक रिस्पेक्ट है, अगर कोई आपकी टेबल भी क्लीन करके जाएगा तो दूसरा बंदा उसको थैंक यू बोलता है जी, तो ये एक रिस्पेक्ट मानी जाती है, नहीं उसको छोटा काम नहीं मानते, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता उन कंट्रीज में, गोरे कंट्रीज में। किस किस तरह के काम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं? नॉर्मली तो जाते ही इंडियन रेस्टोरेंट्स में काफी करते थे बंदे, इंडियन रेस्टोरेंट में, आजकल ऊबर बहुत चलाते हैं जी, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस लेके और गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद ऊबर चलाते हैं जी, तो ऊबर टैक्सी बिजनेस है बेसिकली, पेट्रोल स्टेशन पे करते हैं, फिर बड़े बड़े मॉल हैं जैसे यहाँ रिलायंस फ्रेश है, ऐसे वहाँ पे कोल्स और वूलवर्थ्स, एलडी, ये बड़े मॉल हैं जो लंबे टाइम तक खुलते हैं, सुबह 6 से रात के 11 बजे तक खुलते हैं जी, तो उसमें जॉब मिल जाती है, जैसे सामान लेके आते हैं तो पेमेंट करते हैं या सामान जचाना है रात को, वो सारे काम करते हैं जी। कितना कमा लेते हैं फिर ये बच्चे? अगर आप 23 साल के तो लगभग $23 पर घंटा आपको मिलता है बैंक अकाउंट में, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हम बात करें तो 1200 पर घंटा, एक घंटे के। और वीक में कितने घंटे काम कर सकते हैं? अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको 20 घंटे अलाउड होता है। ओके, अगर यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं तो आप जितना काम मिलता है आप कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 20 घंटे मल्टीप्लाई 10,000 बात करें तो 2,00,000 रुपए, 2,00,000 हाँ जी, 2,00,000 रुपए वो एक वीक के कमा सकते हैं, एक वीक में कमा सकते हैं जी जी जी, पर उनके खर्चे भी नहीं है, खर्चे भी हैं। अब काम करने जाओगे तो आप ट्रेन भी लोगे, बस भी लोगे, ठीक है, उसके बाद खाना भी खाओगे, ठीक है, आपको रेंट भी पे करना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, पानी, बिजली, ये सब आपको पे करना है और खाना वाना, ठीक है। हाँ, कितना तो खर्चा हो जाता है इस पे? तो आप ये लगा लीजिए कि महीने का लगभग $1,000 लगा लीजिए आप। ओके, हाँ, वो शेयरिंग में, अगर जैसे मैं रहता था, हम 3-4 थे, हमने 3 बेडरूम एक फ्लैट ले रखा था और हम 4 बंदे रहते थे उसमें, तो लगभग हमारा $1,000 आता था जी जी, पर मंथ का खर्चा, पर मंथ का जी, यानी कि 50,000 रुपये, हाँ जी 50,000, ठीक है। तो यानी कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वहाँ का अपना खर्चा तो निकालते हैं, पेरेंट्स से नहीं मांगना पड़ता? हाँ, एक बार थोड़ा सा सेटिंग हो जाए आपकी जॉब की जी, और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी होता है एम्प्लॉयर को, एक बार जब आप थोड़ा लंबे टाइम तक काम करते हैं तो आपको फिर घंटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा देता है तो घंटे भी ज़्यादा देने लगते हैं। अच्छा, शुरुआत में बच्चों को काम मिलने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए बच्चे क्या करें उनको ईजिली काम मिल जाए वहाँ जाते ही? एक तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं जी, तो आपको बातचीत करना, इंग्लिश आप अपनी इम्प्रूव करें जी, ठीक है, आप जाने से पहले ही इंग्लिश की थोड़ी मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ी सी मूवीज़ देखना भी स्टार्ट करें, आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करें स्पेशली ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, अमेरिकन बहुत आराम से समझ सकते हो आप, ऑस्ट्रेलियन तेज़ बोलते हैं जी, तो उनकी आदत नहीं है आपको सुनने की, तो वो बोल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर आपको समझ में ही नहीं आता तो फिर काम
देना आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में जैसे जाते हैं आप सीनियर से बात करें, तो सीनियर्स को ऑलरेडी जॉब मिली होती है जी। तो जब उनके एम्प्लॉयर को जॉब चाहती है तो कई बारी उनसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई जानकार है तो बताइए, इसको रेफरेंस बोलते हैं वहाँ जी। ठीक है, तो रेफरेंस के थ्रू बहुत जॉब मिलती है। तो आप अपने प्रोफेसर से, आप अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हैं और जो रूम में आपके साथ रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और अगर कोई है तो मिल जाए। तो रेफरेंस के थ्रू बहुत जल्दी मिलती है। ठीक है, दूसरा है seek.com.au, ये एक जॉब की वेबसाइट है वहाँ पे, seek सीख का हिंदी में मतलब है ढूंढना, seek.com.au। तो उस पे जाके आप जॉब ढूंढिए, अप्लाई कीजिए, जितनी जॉब मिलती हैं आप अप्लाई कीजिए। मैं लगभग जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फिनिश की थी और मैं IT की जॉब ढूंढ रहा था तो लगभग 50 से 60 एप्लीकेशन मैं रोज़ रात को डालता था जी। उसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन ही होगी, एक मिल जाएगी डेट्स ऑल आई नीड, मेरे को बस उसकी जरूरत है एक जॉब की। तो रिजेक्शन से ना डरें, डेली अप्लाई करें जॉब्स और मिली जाती है। हाँ जी, स्पेशली आजकल क्योंकि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स आए नहीं हैं 3 साल से। ठीक है, और वहाँ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होते हैं उनको तो वैसे ही अलाउड होता है जी। वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और लगभग 6 महीने काम कर सकते हैं जी। तो वो भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से जी। तो स्किल की बहुत शॉर्टेज है अभी जी। बहुत शॉर्टेज, इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने फुल टाइम वर्क परमिट स्टूडेंट्स को दे रखा है। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो बाहर बोर्ड पे लिखा होता है स्टाफ नीडेड। ओके, तो आई थिंक ये जॉब ढूंढने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब हम गए थे तो हमने बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पे जाकर, पर आजकल बहुत इजी है जॉब मिलना है। अच्छा, लेकिन ये पता चल रहा है कि जैसे वहाँ जो आउटर एरिया है, रीजनल एरिया जिसे आप बोलते हो, 5 अंक तो सरकार देती है वहाँ PR के लिए, लेकिन वहाँ रीजनल एरिया में भी आजकल जॉब्स की बड़ी समस्या, खासकर नए स्टूडेंट्स को। नए स्टूडेंट की आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही होती है इंग्लिश, क्योंकि आप जाके बात ही नहीं कर पाते तो आपको कैसे देगा। ठीक है, आपको कस्टमर, मान लो आप रेस्टोरेंट में आपको कस्टमर को सर्व करना है, वेटर की जॉब है, अगर आप कस्टमर से बात ही नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर नहीं ले सकते, तो फिर उसको भी आपको जॉब देना काफ़ी हार्ड है। रेफरेंस कितना काम करता है? रेफरेंस बहुत काम करता है। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई जानकार हैं, वो अगर किसी का रेफरेंस देता है तो जॉब जल्दी मिलती है वहाँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, फर्स्ट जॉब सबसे हार्ड होती है, एक बार फर्स्ट मिल गई, आपको रेफरेंस मिल गया, आपका एम्प्लॉयर, आपको बात करना आ गया, उसके बाद आपको स्विच करना बहुत ईजी है जी। तो हमेशा जो फर्स्ट जॉब है वो आप चाहे PR जाएं या स्टूडेंट जाएं, वो सबसे हार्ड है। पर डीमोटिवेट ना हो, अप्लाई करते रहिए, आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, 2 महीने में नहीं मिलेगी तो 3-4 में मिली जाएगी आपको। ठीक है, एक और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चलन ये आ रहा है कि प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी, किसी तरह वीज़ा मिल जाए, बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, वहां जाने के बाद जो कोर्स करते हैं, जिस कोर्स में जाते हैं वो चेंज कर लेते हैं, कितना नेगेटिव असर उसका रहता है? देखिए, एक तो एक आप ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, राइट, आप अपने देश छोड़ के आप दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना आगे ज़िंदगी में आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। आप जाके कर सकते हैं, PR भी मिल जाएगा आपको, पर क्योंकि अगर आप एजुकेशन कुकरी में हैं तो फिर आपको जॉब भी कुकरी में ही मिलेगी। तो आप पहले जाने से पहले डिसाइड कीजिए मेरे को करना क्या है ज़िंदगी में, वहाँ जाने के बाद आप चेंज मत कीजिए, मेरी एडवाइस ये है, पर आप कर सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि मेरे खुद फ्रेंड थे, उनका एग्जांपल देता हूँ मैं, वो मेरे साथ ही IT में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम कुकरी में ज़्यादा पॉइंट थे, तो वो IT छोड़ के कुकरी में चले गए। जब तक मैंने डिग्री फिनिश की, कुकरी के पॉइंट कम हो गए थे, IT के बढ़ गए थे, तो उन्होंने फिर मेरे पास आउट होने के बाद 1 साल फिर IT में लगाया। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, आप पहले डिसाइड कीजिए क्या करना है आपको, कौन सी फील्ड में, मन बना के जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जी, आप जो पढ़ते हैं वो मन लगा के पढ़िए। थोड़ा वहाँ के शहरों के बारे में बताइए, कौन से शहर महंगे हैं, किन शहरों में खाना पीना रहना थोड़ा कम है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, और किन शहरों में बच्चों को काम अच्छा मिल जाता है, वहाँ काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती? 2 सबसे बड़े शहर हैं, 47% जो पॉपुलेशन है वो इन 2 शहर में है ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी और मेलबर्न। ओके, सिडनी थोड़ा महंगा है, मेलबर्न थोड़ा सस्ता है, मेलबर्न में रेंट, खाना पीना सस्ता है, देसी पॉपुलेशन बहुत है, तो वो लोकल वहीं के, हाँ, जो यहाँ से माइग्रेट होके गए, अच्छा, वो मेलबर्न में ज्यादा अपने सिख पॉपुलेशन भी बहुत है, सॉरी। तो ये 2 शहर हैं, थोड़े महंगे हैं, पर इनमें काम भी मिल जाता है आपको आराम से, क्योंकि बिजनेस काफ़ी हैं, टूरिज्म काफ़ी है, तो आपको काम मिल जाता है। फिर बाकी शहर बचे आपके ब्रिस्बेन,
ब्रिस्बेन काफ़ी गर्म है, तो वहाँ पे छोटा शहर है, अगेन काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मिल जाता है पर थोड़ा सा मुश्किल है, तो पर आपके खर्चे भी कम है वहाँ पे, जैसे रेंट कम है, खाना पीना सस्ता है, और क्योंकि आप क्लोज रहते हो सिटी के, तो आने जाने की आपके पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा। जी ठीक है। बाकी बचे पर्थ, पर्थ काफ़ी दूर है, पर्थ की एक एडवांटेज ये है 7 घंटे की फ्लाइट पे आप बॉम्बे हो जी, वो इंडिया की तरफ पड़ता है, हमें 14 घंटे लगते हैं जी। पर्थ अगेन ठीक ठाक शहर है, पर क्योंकि बाकी उनसे कटा हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ से दूसरे शहर आप चले गए और एक दिन में आ गए जी। आपको कैनबरा घूमना है या सिडनी घूमना है, एडिलेड घूमना है, वो घूम नहीं सकते नहीं, तो वो तो सिर्फ दो ही शहर हैं, और जो सबसे क्लोज दो बड़े शहर हैं वो हैं सिडनी और कैनबरा। ओके। उनमें डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, तो 3 घंटे की ड्राइव है जी। बाकी सारे शहर दूर दूर हैं। और फिर एक है एडिलेड जी, एडिलेड भी अच्छा शहर है अगेन, पर छोटा है थोड़ा, तो अगेन काम थोड़ा हो सकता है कम हो, पर मेरे एक्सपीरियंस से 3-5 महीने में जॉब मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं। पढ़ाई के लिहाज से बच्चों को मतलब सस्ता भी पड़े और उनको नौकरी भी मिल जाए, अब मेन खर्चा तो ना यहाँ के मिडिल वर्ग के जो परिवार हैं वो अपने बच्चों आजकल भेज रहे हैं, किसान है, गांव के बच्चे जा रहे हैं, या एक 40-50 हज़ार की नौकरी करने वाले अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, वो किन शहरों का चयन करें ताकि उनकी पढ़ाई सस्ते हो जाए और काम भी मिल जाए? शहर तो आई थिंक अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप बड़े शहर में जाइए, सिडनी मेलबर्न। पर अगेन अगर आप पहले अपने पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे पॉइंट कम पड़ सकते हैं तो आप रीजनल एरिया में जाके और अपनी स्टडी वहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ताकि वो जो 5 पॉइंट की एडवांटेज है वो आप ले सकें। ठीक है, चलो ये हो गया। अब थोड़ा फील्ड के बारे में बात करते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड में किसी इस तरह के हैं, इंजीनियरिंग में, या जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने बीए कर ली है, उन बच्चों के लिए क्या अवसर है वो वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई करें? तो मेडिकल फील्ड की तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंजीनियरिंग फील्ड्स की भी बहुत हैं। अब जो आर्ट्स की हैं वो थोड़ी सी, इंजीनियरिंग में कौन कौन सा थोड़ा डिफाइन करोगे आप? इंजीनियरिंग में आईटी, माइनिंग का बहुत स्कोप है, लाइक यूरेनियम की, कोल की, और ये सब माइनिंग की बहुत बहुत बड़ा काम है उसमें, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का, तो माइनिंग आपकी मेटलर्जी हुई, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका थोड़ा स्कोप है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह इनका थोड़ा स्कोप है। बाकी जो आर्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं और जो कॉमर्स के लिए वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। ओके। हाँ जी, लाइक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश की आपने, तो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं, जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, उनमें थोड़ा सा जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश की है, एमए हिंदी किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है, उनको वीज़ा तो मिल जाता है हायर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए? हाँ, वो कर सकते हैं, पर कई जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बोलती हैं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पीछे, जैसे नॉन मेडिकल मांग लेते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होना चाहिए अगर आप डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए आ रहे हैं, तो पीसीएम का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो आर्ट वालों के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए उनको हो सकता है कि वो ऑफर ही ना दें, ऑफर लेटर ना दें। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। अभी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे तब कमेंट मैक्सिमम लोगों की ये आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, इसके बारे में बताओ। तो अगेन वर्क वीज़ा वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो लिस्ट है जो उनको बंदे चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी उनको ट्रेड चाहिए वो उनकी लिस्ट में है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आप काम कर रहे हैं वो उस लिस्ट में है या नहीं जी। उसके लिए एक तो हमने वो लिस्ट देखनी है, हाँ जी। दूसरा हमें इंग्लिश का है उसमें 5 बैंड तक लेके आने हैं। बिल्कुल, वो आप रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो है वो आपके पेपर वर्क को देखेगी जी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया देखेगी। ठीक है, आप वेटरनरी सर्जन हैं तो अलग वो है डिपार्टमेंट जो आपका देखेगा। तो सबसे पहले आप देखिए मेरी जो मैं काम करता हूँ वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है या नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि इसको अप्रूव कौन करेगा, फिर वहाँ पे जाइए, वो वहाँ से आपको पता लगेगा कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी है इसको अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, तो क्या वहाँ की कंपनियों से भी कोई ऑफर लेटर मिल जाता है, इस तरह का भी सिस्टम रहता है कुछ? वैसे रेयर है, पर आपका जो स्किल है वो रेयर होना चाहिए जी। जो कि ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी गोरे कंट्री में उनको नहीं मिलता, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं मिलता। जैसे अगर कोई खास न्यूरोसर्जन है, उसकी स्पेशलिटी है वो और कहीं है ही नहीं, तो उस टाइम अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको मिल जाएगा जी। या आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे आप देखेंगे कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशल ग्लोबल टैलेंट वीज़ा देके और अपने कंट्री की सिटीजनशिप दे दी, ताकि वो ओलंपिक में जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल्ड लेके आए। तो काफ़ी रेयर है पर मिल जाता है, पर आपकी स्किल जनरल स्किल नहीं होनी चाहिए। लाइक आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं होने चाहिए, मे बी आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, किसी खास स्पेशल फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो आपको
सीधा दे देंगे वीज़ा, अदरवाइज कंपनीज नॉर्मली स्पॉन्सर नहीं करती जी। अच्छा, आपकी तरह जो यहाँ में हमारे हरियाणवी जो लोग यहाँ वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो कुछ मदद कर सकते हैं इस तरह से ऑफर लेटर दिलवाने में? क्योंकि हमें यहाँ बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, यहाँ आता है तो बड़ी बड़ी बात करता है, जब हम कहते हैं हमें बुला ले वहाँ से ऑफर लेटर, इस तरह फिर वो मदद नहीं करते? नहीं, ऑफर लेटर तो यूनिवर्सिटी ही देगी। नहीं नहीं, वर्क के लिए, काम वर्क वीज़ा के लिए नहीं, नहीं दिलवा सकते? नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट क्या कर रखी है, अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, एक तो आपकी जैसे 2 से 3 मिलियन की इनकम होनी चाहिए साल की। ओके, ठीक है, अगर इससे पहले कि आप स्पॉन्सर कर सको, फिर उनको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि मैं बाहर से बंदे बुलाने के लिए एलिजिबिलिटी की एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके जब वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप पहले ऑस्ट्रेलिया में ढूंढिए जी, आप एडवर्टाइज कीजिए, मान लो 2 महीने, अगर 2 महीने आपको कोई भी बंदा नहीं मिलता सिर्फ, तब आप बाहर से किसी को बुला सकते हैं जी। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन है लोकल उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, बजाय कि बंदे चीप लेबर बाहर से लेके और कंट्री में आए जी। ठीक है, तब ये जाके मतलब उनको वर्क वीज़ा मिल पाता है? हाँ, पर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हाँ, बहुत हार्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही मिल जाते हैं नॉर्मली बंदे। ठीक, काफ़ी लंबी बात होगी, सबसे लास्ट में आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं और वहाँ जाके सेट होना चाहते हैं? गोल सबका एक ही है, किस तरह ऑस्ट्रेलिया जाएँ, वहाँ की पढ़ाई करें, वहीं सेट हो जाएँ, तो क्या क्या सावधानियाँ बरतें, कैसे जाएँ वहाँ पर? सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप पहले अपना अच्छे से सोचिए कि आपको क्या करना है और आगे जॉब किस एरिया में करनी है, उसी हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए, जाके ट्राई कीजिए कि चेंज ना करना पड़े आपको कोर्स, तो वो कोर्स अच्छे से कीजिए। आप बहुत सुनेंगे कि इस कोर्स में जॉब नहीं है, जैसे मैं जब आईटी में गया था तो बहुत मैंने सुना था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आईटी में जॉब नहीं मिलेगी, तो काफ़ी डिमोरलाइज हुआ था मैं उस टाइम, पर फिर अपने प्रोफेसर से बात की, उन्होंने काफ़ी गाइड किया, तो कि अगर आप इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर, तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही हुआ, विद इन लाइक 3 मंथ्स पास आउट होने के मेरे आईटी में जॉब मेरे को मिल गई थी। चलो, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट में, जो बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं, हरियाणा के बच्चे जा रहे हैं, उनका आपको जो टंग देखते हैं इंग्लिश के प्रति किस तरह की है, वो इंग्लिश की वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते, कितने दिन में वो सीख जाते हैं वहाँ की इंग्लिश? अगर सर्कल पे है, अगर आप अपना पूरा सर्कल हरियाणवी रखते हैं, आप पूरे दिन हरियाणवी बोलते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो आप जाके आपके दूसरे क्लासमेट्स होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, आप उनसे बात कीजिए। ऑस्ट्रेलियन कल्चर ऐसा है, आपके साथ भी कोई बंदा खड़ा है बस पे, आप उससे बात स्टार्ट करेंगे, वो आपसे बात करेगा। यानी गोरे मतलब फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है। और अगर आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलते हो सकता है इंडिया में कोई आपका मजाक उड़ा दे, वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे जी। वो आपको गाइड करेंगे कि ये वर्ड नहीं, हम ये बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, हम एक्सपायर्ड बोलते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है हम बोलते हैं। आप लोकल न्यूज़ देखिए, आप लोकल बंदों से बात कीजिए, सिर्फ अपना हरियाणवी हिंदी सर्कल मत रखिए, बाहर जाइए, बंदों से बात कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए वो कैसे बात करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है आपको सुनने में समझने में। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से काफ़ी अलग है, तो आप देख के सुन के ही सीख सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और कई नई जानकारी उनको मिली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।